हेलो, कृष्ण बायो फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इतना कीटनाशक के बारे में। मार्केट में जब कोई भी नया कीटनाशक आता है, कृष्ण भाई को क्या दिक्कत आती है, कौन सा कीटों को कंट्रोल करता है, इसके बारे में पता नहीं चलता। तो इस वीडियो में बात करके इतना जो कीटनाशक है इसका कौन कौन सा कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका डोज कितना फसलों में देना है, कौन कौन सा फसलों में आप यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ दूसरा कोई कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकता है, लगभग ए टू जेड इतना कीटनाशक के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। आइए बात करेंगे इतना जो कीटनाशक है इसका टेक्निकल फॉर्म के बारे में, केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है इसमें, इसके बारे में आइए बात करेंगे। जैसे इसमें केमिकल कंपोजिशन रहता है प्रोफेनोफास 40% प्लस फेनपाइडो मोक्सीमेट 2.5% इसी फॉर्म में रहता है, जो बहुत अच्छा काम करता है फसल में। डबल केमिकल कंपोजिशन इसमें रहता है, इसलिए इसका कीटों भी ज़्यादातर खत्म करता है जो फसलों में आता है जो इतना कीटनाशक स्प्रे कर। आई बात करेंगे इतना जो कीटनाशक है कौन कौन सा फसलों में आप स्प्रे कर सकते हैं, इसके बारे में आई बात करें। जैसे भिंडी का फसलों में, तुराई का फसलों में, टमाटर का फसलों में, बैगन का फसलों में, जैसे सरसों का फसलों में, गेहूँ गन्ना का फसलों में, कपास का फसलों में, धान का फसलों में, लगभग सब्जी वर्गीय फसलों में, फलों में आप जो इतना कीटनाशक यूज़ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा कीटों भी कंट्रोल कर लेता है। इतना जो कीटनाशक है जो एक सुमितोमो कंपनी का कीटनाशक है और इसका जो फेनपाइरोक्सीमेट जो इसमें केमिकल कंपोजिशन रहता है, इसलिए इसका कीटों का कंट्रोल करने के लिए रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। आई बात करें कौन कौन सा कीटों का कंट्रोल करता है जो इतना कीटनाशक है इसके बारे में, जैसे एपिड, जेसिड, माइट, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, फल चेतक, तना चेतक, जो सब्जी वर्ग के फसलों में कीटों आता है इसका कंट्रोल कर सकते हैं। बोलम, डायमंड बैक मोथ, अमेरिकन बोलम, इल्ली जैसे, तेला जैसा, महू जैसा कीटों को कंट्रोल कर सकता है इतना कीटनाशक स्प्रे करके आपका फसल हो। किशन भाई क्या था जब आप कोई भी सब्जी वर्गीय खेती करते हैं, जैसे कुकरपन का बीमारी आता है, पत्ता मुड़ने वाला बीमारी आता है आपका सब्जी वर्गीय फसलों में, इसमें क्या होता है जैसे व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स का वजह से जो पत्ता मुड़ने वाला बीमारी आता है, तो इसलिए आप इतना कीटनाशक स्प्रे करके कंट्रोल कर सकते हैं जो पत्ता मुड़ने वाला बीमारी। और जैसे फल चेतक, तना चेतक जो कीटों आता है आपका फसलों में सब्जियों में, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं इतना कीटनाशक स्प्रे करके। कीड़ा, करेला और टमाटर का फसलों में क्या आता है, जैसे सफ़ेद मक्खी का वजह से जैसे आपका पत्तों में मुड़ने वाला का बीमारी आता है और फसल ख़राब हो जाता है, इसीलिए आप क्या करता है कोई भी कीटनाशक स्प्रे कर सकते हैं। जैसे इसलिए आप इतना जो कीटनाशक आप स्प्रे करके बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं सफ़ेद मक्खी जो मिर्च का फसलों में आता है, थ्रिप्स का वजह से जो पत्ता मुड़ने वाला बीमारी आता है इसको भी कंट्रोल कर सकता है। और उसका डोज फसलों में, मिर्च का फसलों में लगभग 2 ml पर लीटर में स्प्रे करना है। आई बात करेंगे इतना जो कीटनाशक है इसका डोज के बारे में, कितना फसलों में डोज स्प्रे करना है इसके बारे में अभी बात करें। जैसे इसका डोज होता है 100 ml, आप 50 से 60 लीटर वाटर में पानियों में गलकर स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसका साथ दूसरा कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे थाइमोथोक्सियम, एसिटामारपीड, इसका प्रोफेनोफास जो उसमें है, एसिटामिन, इमाडोक्लोरोफिट एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके स्प्रे करता है तो इसका डोज थोड़ा सा कम करके देना है, जैसे 1 ml पर लीटर में देना है। और इसके साथ दूसरा कोई भी कीटनाशक भी देके एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका कोई भी कीट कंट्रोल करने के लिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैगन का फसलों में क्या होता है, जैसे बैगन का फसलों में तनाचेतक जो कीट आता है, पत्ता गोभी का फसलों में, फूल गोभी का फसलों में क्या होता है, तनाचेतक कीट ज़्यादातर आता है और फल चेतक कीट जो ज़्यादातर आता है, तो उसमें क्या करना है आपको जो कि इतना कीटनाशक स्प्रे करना है एंड कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है जो फल चेतक और तना चेतक जो कीटों आता है आपका सब्जी वर्गीय फसलों में। इतना जो कीटनाशक है आप लोबिया का फसलों में, जैसे काउपी का लोबिया, जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग पहचान है, लोबिया, काउपी, बरबटी भी बोलता है उसको, लेकिन उसमें जो फ्रूट बोरर जैसे फल चेतक जो कीटों आता है, इसके लिए क्या करना है आपको इतना कीटनाशक स्प्रे करना है और इतना कीटनाशक स्प्रे करके अच्छा कंट्रोल कर लेता है जो लोबिया का फ्रूट बोरर जो इंसेक्ट आता है उसको। आइए बात करेंगे इतना कीटनाशक का प्राइस के बारे में। जैसे 100 ml का प्राइस लगभग 200 rupees में मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। जो मार्केट में कोई भी नया कीटनाशक आता है तो उसको आप क्या करता है, इसका पहचान नहीं जानता है आपको कौन सा कीट कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो इतना कीटनाशक के बारे में इस वीडियो में बात किया था, ए टू जेड बात किया था। और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इतना कीटनाशक के बारे में तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।